नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं मनीष भदौरिया। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। खबर लखनऊ से है, जहां सूबे के उप मुख्यमंत्री बिजेश पाठक की तरफ से प्रदेश के अस्पतालों के हालात को सुधारने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। उसी क्रम में कुल फाउंडेशन ने गरीब, असहाय और जरूरतमंद मरीजों की मदद के लिए कई अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपस्थिति में फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया, जिसमें जरूरतमंद मरीजों ने सैकड़ों की संख्या में डॉक्टरों को दिखाकर दवा लिया। साथ ही इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर विजय खंड के सभासद संजय सिंह मौजूद रहे। स्कूल के बच्चों के लिए और बड़ों के लिए था, उम्रदार लोगों के लिए, जवान लोगों, सभी लोगों के लिए था। एक्चुअली क्या है कि अभी बीमारियां बहुत ज्यादा फैल रही हैं और प्रॉपर इलाज नहीं मिल रहा है लोगों को। तो बच्चों में यहाँ पे हमने देखा एनीमिक की बहुत कमी थी और कैल्शियम की कमी थी, तो उनकी दवाई प्रोवाइड की गई है बच्चों को भी और बड़ों को भी। कितने बच्चों को देखा गया और कब कब ऐसे ही आप कैंप लगवाते हैं? ये हमारा पहली बार था, अगली बार कोशिश रहेगी इससे अच्छा कैंप करें। इस बार करीब देखे गए हैं 150 बच्चे और 50 बड़े हो गए हैं। खबर हरदोई से है, जहां हरियावा थाना क्षेत्र के रहने वाली एक वृद्ध महिला ने मानसिक विक्षिप्त पुत्री के साथ गांव के युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया और पुलिस ने शिकायत दर्ज करते हुए बताया कि शराब के नशे में युवक ने मानसिक विक्षिप्त पुत्री को घर में बाहर ले जाकर दुष्कर्म किया, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले की छेड़खानी का मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जाँच में जुट गए हैं। खबर श्रीवस्ती से, जहां समाधान दिवस पर थाना कोतवाली भिंगा पर डीएम नेहा प्रकाश और एसएसपी अरविंद कुमार मौर्य ने फरियादों की फरियाद सुनी और उनकी समस्याओं का निस्तारण के लिए राजस्व और पुलिस टीम को निर्देश दिया। खबर बदायूं से है, जहां जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने थाना सिविल लाइन्स पर जनता से संवाद कर जनसमस्याएं सुनी। इसके बाद जनपद के सारे थाना प्रभारियों को अपने अपने थाना स्तर पर जनता से संवाद कर जनसमस्याओं को सुना, जिसमें से कुछ शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया और अन्य विभागों से संबंधित शिकायतों का निस्तारण के लिए कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। अयोध्या पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने दोहरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 5 लोग अभी फरार बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक प्रेम प्रसंग के चलते घटना को अंजाम दिया गया। थाना हैदरगंज क्षेत्र में कस्बे के पहले ब्रह्मवाय स्थान के पास तिराहे पर 2 युवकों की डेड बॉडीज अर्ली मॉर्निंग मिली थी कि दोनों युवक जनपद प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। उसके बाद उनके परिजनों से संपर्क किया गया, उनसे कुछ क्लू मिला तथा अन्य सोर्सेस से और टेक्निकल हमारे एड से इस घटना का खुलासा हुआ और ये पता चला कि मृतक रवि जो हैं अपने साथी मनोज के साथ मोटरसाइकिल से गोसाईगंज तक आए थे और उसके बाद वापस घर पर नहीं पहुँचे थे। अलीगढ़ के धर्म समाज महाविद्यालय में बीए फर्स्ट सेमेस्टर की फीस के लेने के बाद क्लास नहीं चलाने और दूसरे सेमेस्टर की फीस जमा कराने के विरोध में छात्रों ने नारेबाजी कर प्रदर्शन करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के वीसी का पुतला फूंका और छात्रों ने मांग की कि दूसरे सेमेस्टर की फीस जमा कराने पर कॉलेज प्रशासन क्लास चलाकर शिक्षण कार्य को सुचारू कराए। मांग नहीं पूरी होने पर छात्र सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। आज धर्म समाज महाविद्यालय के तमाम छात्रों ने आगरा बीसी का पुतला फूंका है। इसका एक ही उद्देश्य है कि जो आगरा बीसी का जो तानाशाही रवैया है उस पर या तो वो लगाम दे, अन्यथा की स्थिति में जिला अलीगढ़ का समस्त छात्र बल उग्र आंदोलन करने पर बाध्य होगा। उन लोगों ने प्रथम सेमेस्टर के रुपए अलग से लिए, द्वितीय सेमेस्टर के रुपए अलग से लिए, जब क्लास बंद है तो मेरे छात्र किस बात से पैसे देंगे? यहाँ पर जितने छात्र पढ़ते हैं किसी के पिताजी अड़ानी अम्बानी नहीं है, प्रत्येक छात्र के पिता किसान हैं और उन लोगों को सोचना चाहिए कि किसानों से किस प्रकार से वो कर की तरह वसूल रहे हैं। जो सेकंड ईयर के जो छात्र वर्ग है उसे अगर दोबारा अगर
फीस वसूली जाएगी। तो हमारा बस एक ही मांग है इस विषय को लेकर के कॉलेज में फिर से दोबारा क्लास चली जाए अगर फीस ली जाएगी। अगर फीस नहीं ली जाती है तो इस विषय को लेकर के हम एक भी छात्र वर्ग पूरे जिला प्रशासन पूरे जिला का कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे फीस देने के लिए बाकी नहीं होगा। खबर शाहजहांपुर से है, जहाँ मेजबान होटल के पास नगर निगम ने वैश्य शिरोमणि दानवीर भामा की प्रतिभा का अनावरण कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना शामिल हुए और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वैश्य शिरोमणि दानवीर भामा शाह के जीवन परिचय का प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आज का ये कार्यक्रम सभी घटनाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। आज का ये कार्यक्रम सभी धनाढ़ियों के लिए एक प्रेरणा है, जितने भी धनाढ़ शाहजहांपुर में हैं, कि उनका आदरणीय भामा शाह जी ने एक रास्ता दिखाया, इतिहास में अपना नाम अमर किया, इसलिए कि उन्होंने महाराणा प्रताप के और हमारे सेना की 17 साल तक मदद की, मुकेश राठौर जी, इसलिए मुकेश राठौर यहाँ पर स्थापित मिश्रा जी, संतोष। बुलंदशहर में स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है और सदर जहांगीराबाद खुर्जा समेत पहासू में अवैध कॉलोनी और पैथोलॉजी लैब पर स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की। इस दौरान अवैध दुकानों को SACMO ने सील कर दिया। वहीं CMO का कहना है कि अनियमितताओं व गैर पंजीकरण के चलते लगभग 14 अवैध कॉलोनियों और लैबों पर सीलिंग की कार्रवाई की गई है और 12 लोगों को नोटिस भी दी गई है। साथ ही आगे भी स्वास्थ्य विभाग इस तरह की कार्रवाई जारी रखेगा। कई जगह पर हमने कार्रवाई कराई है, जैसे जहांगीराबाद में, पहासू में, शहर में भी कार्रवाई हुई है, खुर्जा एरिया में भी कार्रवाई हुई है और काफ़ी क्लिनिक्स को और पैथोलॉजी लैब वगैरह को सील भी किया गया है और कई जगह नोटिस भी दिए गए हैं। कितने अभी तक ऐसे क्लिनिक अभी रिसेंटली पिछले 3 दिनों में करीब 17 तारीख में हम गए थे, हमारे डॉक्टर साहब नोडल अधिकारी 22 में गए, फिर 24 में गए, तो उसमें करीब 14 जगह पर हमने जो है सील करने की कार्रवाई करी है और करीब 10-12 जगह पर नोटिस भी दिए गए हैं। फतेहपुर में केंद्र सरकार की सेना में भर्ती को लेकर आई नई योजना अग्निवीर के विरोध में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने DM के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हुए अग्निवीर योजना को जल्द ही वापस लेने की मांग की। गाजियाबाद के जस्सीपुरा इलाके में उस समय अफरा तफरी का माहौल मच गया जब कुछ युवकों ने जमकर चाकूबाजी होने लगी, जिसमें 2 युवक गंभीर रूप से घायल भी हो गए। शुरुआती जांच में बताया गया जा रहा है कि दोनों युवक इंस्टाग्राम यूजर करते थे और इस दौरान इंस्टाग्राम पे ही उनकी अन्य युवकों से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद दोनों ही पक्ष कोतवाली घंटाघर क्षेत्र के जस्सीपुरा इलाके में पहुंचे और वहां पहुंचते ही दोनों पीड़ितों ने आपस में चाकू से एक दूसरे पर हमला कर दिया। आनन फानन में घायल लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज जारी है। इंस्टाग्राम पर बस इसका मैसेज आया, पहला हाय, मैंने हाँ बता, बस मैंने ये बोल दिया। अच्छा। फिर इनने कुछ गाली बकी, मैंने तो क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है मुझसे, इनने गाली वाली बक के तेरा मुल्ला के यू करवा दूँ वो करवा दूँ। फिर क्या हुआ, कहाँ पे आए थे, कैसे? हम यहाँ पर आए थे MNG के बाहर, फोन आया था कि इनकी लड़ाई हुई थी तो वहाँ पर हम मौजूद थे उस टाइम। फिर पहुँचे तो कैसी हालत थी इनकी? वहाँ पर जब पहुँचे हम बस खाली क्या नाम है जूस वाले बराबर में खड़े थे तो उन्होंने फील्डिंग से बेचारे मतलब 4-5 लोंडे अलग अलग साइड में घूम रहे थे तो तुरंत ही आए, छुरी लेकर आए, आते के साथ ही तुरंत ही 2 जनों को मार दी बिल्कुल। यहाँ इंस्टाग्राम पे इनकी आपस में कोई युवकों की बात हुई है, 2 युवक कैला भट्टा के रहने वाले हैं, वो उनको बुलाया गया जस्सीपुरे मोड़ पर, उन्हें बुलाते ही कुछ भी साथी किस्म के लोगों ने छुरियाँ बजानी शुरू कर दी, जिससे कि वो लोग घायल हो गए और यहाँ अस्पताल में उनका उपचार हुआ है, फर्स्ट एड देकर इनको रेफर कर दिया गया GTV के लिए और इनकी हालत ज़्यादा सीरियस है। आज लगभग 2 बजे थाना कोतवाली को सूचना मिली कि जस्सीपुरा कट के आसपास 2 पक्षों में आपस में विवाद हुआ है, जिसमें कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को चाकू से वार करा है। इसमें पूछताछ में हमको पता लगा है कि ये लोग इंस्टाग्राम पे आपस में एक दूसरे से पहले बातचीत कर रहे थे और उसी के बाद इन लोगों ने जस्सीपुरा पर मुलाकात करके इनमें आपस में चाकूबाजी की घटना हुई है। इसमें जो घायल हैं उनको तुरंत ही उपचार हेतु MG अस्पताल लेकर गया है एवं इनको अभी दूसरे अस्पताल इनको रेफर करा गया है
और जो भी दूसरा पक्ष है उसको हम तुरंत पकड़ने के लिए हमने टीमें बना दी हैं। जल्दी इसमें जो भी आवश्यक वैधानिक कार्यवाही है करके हम आप लोगों को सूचित करेंगे। फिलहाल देश प्रदेश की खबरों में बस इतना ही, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।